हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या है? याद रखिए, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1992 में इलाहाबाद अधिवेशन के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संविधानिक उपचार के अधिकार 32 को। अगला है, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? याद रखिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पीवी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? तो द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के बारे में। अगला है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय। अगला है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। अगला है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अगला है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? 370। याद रखिए, 5 अगस्त को इसे हटा दिया गया। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला है, अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। अगला है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह है।
अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगला है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। अगला, वित्त आयोग का गठन कौन गठन होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? अनुच्छेद 368 में। अगला है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन प्रसिद्ध आलोचक का था? C.E.M. जोड़ का। अगला, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। अगला, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो यह स्वर्ण सिंह समिति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। अगला, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण फिदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सहकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभाओं ने। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह है 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। अगला, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अगला है, लोकसभा सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के
परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना को। अगला है मूल अधिकार व राजनीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार बाद योग्य है जबकि नीति निदेशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता।